आज पहले तो है ना, क्लास शुरू करने से पहले क्रिटिकल रीजनिंग की अपने एक बार क्या करेंगे, क्लैट का जो नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें एग्जाम डेट और सिलेबस आया है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्लैट की वेबसाइट में क्या है, सिलेबस एंड फॉर्मेट फॉर क्लैट 2024 पे एक बार जाएं अपने। तो जो पहला चेंज क्लैट ने किया है वो तो क्या किया था कि उन्होंने जो अपना क्वेश्चन नंबर है 150 से कितने कर दिए, 120 कर दिए, ठीक है। दूसरी चीज जो क्लैट ने क्या चेंज की है ना, वो अपने को देखना है कि क्लैट का सिलेबस, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट पे आते हैं अपने, और क्लैट का सिलेबस क्या हो गया, अब पहले 150 क्वेश्चन थे, अब कितने सवाल आएंगे, 120 सवाल आएंगे। टाइम कितना है, 2 घंटे। जो वेटेज है ना वो क्या है, इन्होंने 20% जो पेपर की वेटेज है वो इंग्लिश को रहेगी, करंट अफेयर्स को कितनी रहेगी 25, लीगल को कितनी रहेगी 25, लॉजिकल को कितनी रहेगी 20%, और क्वांट को रहेगी 10%। तो टोटल पेपर में जैसे 150 नंबर का अपना पेपर पहले होता था तो 15 नंबर का आता था अपना लगभग क्वांट, अब 120 का पेपर है तो मेरे हिसाब से राउंड फिगर करके 2 DI आएंगे और एक डाटा इंटरप्रिटेशन कम हो जाएगा। तो अपने पास अब कितने बचे, 2 DI, तो मतलब 10 सवाल अपने आएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के। अब लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें कितने अपनी वेटेज है, वो भी 20% है। तो 20% मान लो कम से कम 24 सवाल अपने लॉजिकल रीजनिंग होंगे। आज जो अपने क्लास शुरू करेंगे उस क्लास में अपने क्या लेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल को लेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, अपने जब भी क्लैट की प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो अपने को एक तो ये ध्यान रखना है कि अपने अपना जो टाइम है ना पढ़ाई का, उसको इस हिसाब से शेड्यूल करें कि अपने सारे सेक्शन है ना जितने भी उनको इक्वल वेटेज दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने जीके को ज्यादा वेटेज दे दें, या फिर कोई एक ऐसा सेक्शन है जिससे अपने को डर लग रहा है, जैसे मैथ हो गया या फिर लॉजिकल हो गया, ज्यादातर बच्चे लॉजिकल से डर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन सबसे ज्यादा लोग फियर कर रहे हैं ना, आप उसको ही अपना स्ट्रॉन्ग बना लो, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस कर दो। उससे क्या फायदा होगा कि लॉजिकल में सबके नंबर कट रहे हैं, सबको डर लग रहा है, तो लॉजिकल में ही अगर अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना तो अपने में और बाकियों में एक डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और बाकी बच्चे उसमें स्कोर ही नहीं कर पाएंगे। मान लो सपोज करो 25 नंबर का है, बाकी बच्चों के 7-8 आ रहे हैं, तुम कोशिश करो कि 25 में से 18+ 19+ या 20+ तक कर लो। तो जो सेक्शन अपना वीक है उसको ज्यादा प्रैक्टिस कर दो शुरू, ठीक है। अब अपने को प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लॉजिकल में कुछ ऐसा है या कोई ऐसा पैसेज है जो पहले से कोई पढ़ के बैठा है, या कोई ऐसी बुक है कि ये बुक कर लो तो सारे पैसेज इसमें से आएंगे। पैसेज तो किसी ने नहीं पढ़े होंगे पहले, ठीक है। तो अपने अलग अलग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके वो जो अपने स्किल है उसको मास्टर कर सकते हैं। क्लैट एग्जाम है ही नहीं नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड एग्जाम कौन से थे, नीट हो गया, IIT हो गया, जो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्लैट स्किल बेस्ड टेस्ट है, वो आपका स्किल चेक कर रहा है कि ऊपर हमने कुछ आपको कहानी बता दी, वो कहानी को यूज करके क्या आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो, यानी क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। तो 4 ऑप्शन भी है, लिखवा थोड़ी रहा है आपसे, ठीक है। जैसे आपने रामायण पढ़ ली, ठीक है, अब रामायण पढ़ने के बाद मैं ये बोलूं कि अच्छा कोई एक ऐसा सेंटेंस बताओ जिससे हम ये, या कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिससे हम ये प्रूव कर सके कि हनुमान जी में बहुत ज्यादा पावर्स थी, उसको स्ट्रेंथन करें, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि वो संजीव बूटी ले आए 7 समुद्र पार जाके, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, वो जिसको रामायण समझ में आई वही तो ये बता पाया, जिसको रामायण समझ में नहीं आई वो क्या बताएगा, क्या ये हनुमान जी थे भी या नहीं थे, ठीक है। तो क्लैट क्या चाह रहा है अपने से, क्लैट अपने से कुछ नॉलेज नहीं चाह रहा, जो आपको स्ट्रेंथन या वीकन करने के लिए दे रहा है वो कहां से दे रहा है, पैसेज में से दे रहा है। पैसेज समझना इंपॉर्टेंट है पहले, जब पैसेज हमने समझ लेंगे, अगर पैसेज ही समझ में नहीं आया तो हमने यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो पहली कहानी तो क्या, अपने पैसा समझ लें फिर अपने क्वेश्चंस पे जाएं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग को शुरू करेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में अपने क्या पढ़ेंगे, क्या क्या अपना टॉपिक है, क्या क्या अपने चैप्टर है, और कैसे कैसे अपने उनको यूज करना है, ठीक है। तो अपने फटाफट अपनी जो बुक है कौन से वाली, ये वाली बुक जो क्रिटिकल रीजनिंग वाली है, ये वाली अपने सामने रखो, निकाल लो इसको ऑनलाइन, ठीक है। और इसका पहला पेज ऐसा ही होगा, इसको अपने शुरू करते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी का पहला पेज निकल गया। पहले तो अपने को यह समझना है कि अपने को यह मॉड्यूल पढ़ना कैसे है, क्या अपने को अप्लाई करना है, कैसे यूज करेंगे अपने, और कैसे अपने क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल रीडिंग दिस मॉड्यूल। आई विल सजेस्ट वेज एंड टिप्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑल यूटिलाइज दिस मॉड्यूल एज बेस्ट एज दे कैन। कुछ बच्चे हैं जो ड्रॉपर हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, और कुछ थर्ड कैटेगरी के बच्चे होंगे जो क्लैट का एग्जाम जब दिसंबर में आएगा तो नवंबर में जाएंगे, ठीक है, कि 30 दिन आ गए अब क्या करना है। तो तीनों के लिए अलग अलग अप्रोच है।
उतना कईयों को है कि भाई अपने पास एक महीना का समय है, अपने कभी भी पहुंच जाए, ठीक है। एक आदमी की आज ही पहुंचना है, कल सुबह ही दिल्ली पहुंचना है, और एक आदमी तीसरा ऐसा है जो कह रहा है भाई इस साल में कभी भी दिल्ली पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के अलग अलग तरीके होंगे। पहला क्या है, इफ यू आर ए ड्रॉपर स्टूडेंट, अगर जो ड्रॉपर मतलब जो स्कूल से फ्री है, जिनको कोई अलग से टाइम नहीं है, सिर्फ क्लैट को फोकस्ड है, यू शुड डिवोट योर मैक्सिमम टाइम टू दिस मॉड्यूल। अपने को तो पूरा टाइम देना ही है। यू हैव इनफ टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। अब कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपने को क्रिटिकल रीजनिंग में काम आएंगे, वो अपने थर्ड पेज पे देखेंगे, ठीक है। और जितनी अपने प्रैक्टिस कर सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही अपने को एनएलयू के पास पहुंचाएगी, ये बात ध्यान रखना, और कोई चीज नहीं है जो अपने को एनएलयू के पास पहुंचाए। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, मतलब स्कूल के साथ कर रहे हो, बहुत बच्चे होंगे जो स्कूल के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर ए नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, यू कैन गिव 1 week टू 1 chapter ऑफ दिस मॉड्यूल। उनके पास भी टाइम है कि एक हफ्ता वो आराम से इस चैप्टर को दे लें, तो भी उनका हो जाएगा, ठीक है। This way you can also study other subjects and have enough time for CR as well. You can increase the number of chapters. School वालों को एक हफ्ता एक chapter कर लो आराम से, slow, कोई दिक्कत नहीं है। Dropper वाले बच्चे हैं, उनके पास तो time है ही काफी, ठीक है, तो वो तो maximum time इसको देंगे, इनको एक हफ्ता पर chapter। तीसरा, if you are in 12th standard but have started late preparation, 2 या 3 महीने बचे हैं, then you have 2 ways. You can either only give time to important topics like assumptions or strengthening weakening, जो examiner पूछ रहा है। पिछले साल के पेपर हमें बताएंगे कि कौन से questions को exam ज्यादा पूछ रहा है, वही तो important हो गए, ठीक है। और CR then other subjects and understand all the concept, but be sure to understand the concept that you are reading. That's the most important thing. Concepts अपने clear होने चाहिए। Concept अगर अपना clear नहीं होगा तो अपने को पैसे समझ में आ गया फिर भी अपने नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, जैसे हमारी कोमल 11th में बैठी है अभी, ओजस भी 11th में है, इनको क्या करना है, यू कैन इवन गिव मोर टाइम, तुम्हारे पास मोर टाइम है देने के लिए। यू शुड डिवोट टाइम टू रीडिंग मोर एंड मोर आर्टिकल्स, तुम लोग आर्टिकल्स पढ़ो आराम से, ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ो एंड अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स टू दोज आर्टिकल्स, और लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक ऐसी चीज बताना जो सबने पढ़ रखी हो, देख रखी हो। थ्री इडियट्स देखी हुई है सबने, तुमने 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 नहीं देखी, तीनों ने देख रखी है थ्री इडियट्स, ठीक है। अब अपने थ्री इडियट्स हैं तो अभी अपने चैप्टर करेंगे, जैसे अजम्पशन का चैप्टर कर लिया अपने ने, या फिर अपने ये करेंगे स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, वीकनिंग करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। तो जब अपने ये सब पढ़ लेंगे ना, तो इसके बाद अपने कोई भी मूवी या कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि भाई ये चीज उस पर अप्लाई कर दें। जैसे कि इन्फ्रेंस क्या होता है कि जब आपने ने कोई चीज पढ़ी, ठीक है, उसके बाद आप क्या मोस्ट प्रोबेबल आंसर है ना, अंदाजा लगा सकते हो कि ये चीज हो सकती है, ये इन्फर कर सकते हैं अपन, ठीक है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से, या फिर कंक्लूजन में अपने पक्का श्योर होंगे कि ये चीज होगी होगी। तो जब अपने चैप्टर आएंगे उनके, तो अपने वो चैप्टर उन आर्टिकल्स पर लगा सकते हैं और उनके थ्रू अपने पता लगा सकते हैं कि ये चीज का क्या फायदा होगा, ठीक है। आगे तुम इंपॉर्टेंट नोट्स तो लिख सकते हो। आज अपने शुरू करते हैं, पहले चैप्टर पे आते हैं, पहले चैप्टर्स देखेंगे अपने कौन कौन से अपने को पढ़ने हैं। एक तो अपने को पढ़ना है आर्ग्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर, दूसरा अपने पढ़ेंगे अजम्पशन, तीसरा अपने पढ़ेंगे कंक्लूजन, चौथा अपने पढ़ेंगे सिलोजिम्स, इन्फरेंस, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग, फ्लो इन द रीजनिंग, कोज एंड इफेक्ट, रिजोल्व द पैराडॉक्स और बोल्ड फेस आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट करेंगे। अपने अभी शुरू करते हैं जो टॉपिक्स है, आराम से पहले चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर। इसमें भी आने से पहले ना एक चीज और, कि क्रिटिकल रीजनिंग को डालने का मोटिव क्या, एग्जाम का एग्जामिनर ने ये सिलेबस रखा, क्या सोच के रखा कि क्रिटिकल रीजनिंग होना चाहिए, बताओ क्या सोच के रखा होगा क्रिटिकल रीजनिंग, भाई इसलिए अपने क्रिटिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट डाल देते हैं। क्रिटिकल, देखो क्रिटिकल का मीनिंग क्या है, देखो क्रिटिकल का मीनिंग क्या होता है, एक तो आदमी हमें बोलते हैं ना ये क्रिटिकल स्टेज में चल रहा है, मतलब कि कुछ बीमार है या कुछ सीरियस है। एक होता है कि जब आप उस चीज का प्लस भी देख लो, माइनस भी देख लो और फिर एक एनालाइज कर दो। जैसे कि अगर अपने क्लैट कर रहे हैं, क्लैट करने के बाद अपने क्या करेंगे, जज बनेंगे, ठीक है। जज बनने के बाद अपने क्या करेंगे, डिसीजन देंगे, वहां पे
डिसीजन देने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उस आदमी को जो वकील है अपने सामने बोल रहा है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि यार इसने ये आर्ग्यूमेंट बोल दिया, ठीक है, इसके क्या क्या ये क्या क्या सोच रहा होगा ये बोलते वक्त, ठीक है, या इसने कुछ चीज छुपा तो नहीं ली, ठीक है, या दूसरा आदमी ये बोल रहा है कौन ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है, ये वाला बोल रहा है या ये वाला बोल रहा है, यही तो बताना है ना। जज का काम क्या है, दो वकील आ गए, ठीक है, दो में से एक ही जीतेगा, दोनों थोड़ी जीतेंगे, कभी जज बोलेगा तुम दोनों ही जीत गए, दोनों ही बहुत बढ़िया, नहीं ना, क्रिटिकली एनालाइज करेगा कि भाई ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये, जब तुम्हें क्रिटिकली एनालाइज करना ही नहीं आएगा तुम पता ही नहीं पाओगे कि क्या स्ट्रेंथन कर रहा है, क्या इस बात से कंक्लूजन निकला, मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमने पहले से, द क्लैट एग्जामिनेशन लॉजिकल रीजनिंग हैज नाउ टर्न टू बी ए रीडिंग हैवी सेक्शन, द क्वेश्चन आर आस्क्ड बेस्ड ऑन ए 300 वर्ड पैसेज विद 4 ऑप्शन ईच। क्लैट हमेशा बोलता है कि हम 300 वर्ड का पैसेज पूछेंगे, और 300 वर्ड के पैसेज को बोल तो दिया इन्होंने पर ये बड़ा कर देते हैं, ये इनकी गलत बात है। वैसे जो बाकी पैसेज होंगे ना लीगल इंग्लिश, उसमें क्लैट ने लिख रखा है 450 वर्ड्स, और जो सिलेबस है उसमें वेबसाइट पे तुम देखोगे उस पे लिख रखा है 350 वर्ड्स, कौन सा 300 वर्ड्स मतलब लॉजिकल। तो कभी भी देखोगे क्लैट के पेपर में लॉजिकल के सेक्शन छोटे होंगे, क्यों, और बाकियों के सेक्शन बड़े होंगे क्लैट ने, ताकि तुम्हें थोड़ी आसानी हो, ठीक है। ड्यू टू द पैसेज दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द स्टिमुलस आर्ग्यूमेंट पैसेज कम्स टू बी हाईली क्रूशियल फॉर द टेस्ट टेकर, इन दिस चैप्टर वी विल डील विद ऑल द बेसिक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, एडिशनली वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। देखो मैंने एक आर्ग्यूमेंट देता हूं मैं कोई भी, अब आर्ग्यूमेंट क्या है, जैसे मान लो कि रोज है ना दूध पीना चाहिए, ठीक है, अब ये आर्ग्यूमेंट है किसी मम्मी ने, मान लो ओजस की मम्मी ने ओजस को बोला कि ओजस तुम्हें सुबह उठते ही रोज दूध पीना है, ठीक है, अब इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना है तो मम्मी क्या देंगी, कुछ प्रिमाइसिस देंगी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ड लिखो यहां पे, एक तो हो गया आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, अगर प्रिमाइसिस होंगे ना तब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, अब प्रिमाइसिस क्या होता है, जहां पे भी वर्ड आ जाए प्रिमाइसिस, प्रिमाइसिस का मीनिंग है एविडेंस, मतलब कि अगर मान लो मम्मी को ये बोलना है कि ओजस तुम रोज दूध पिया करो, ठीक है, अब क्या है ये आर्ग्यूमेंट तो है पर ये आर्ग्यूमेंट कब अच्छा बनेगा, जब प्रिमाइसिस होंगे, जैसे इसकी मम्मी बोले कि वो तुम्हारे दादाजी दूध पीते थे और उनकी हड्डियां अभी तक मजबूत हैं, ठीक है, 20 साल से, तो ये चीज क्या है स्ट्रॉन्ग कर रही है, एविडेंस दे रही है ना, तब हम मानेंगे यार ये बात कंक्लूजन सही है कि दूध पीने से हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। तो जब भी कोई स्टेटमेंट होगा अगर हमें उसका प्रिमाइस उस पर दिया होगा, प्रिमाइस होगा तो हम मान लेंगे कि यार ये प्रिमाइस देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये किसी कंक्लूजन पे हम डिराइव होंगे। जैसे कि अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि कोई कोचिंग अच्छी है या नहीं है, ठीक है, तो तुम क्या देखोगे, अच्छा पिछले साल इनका रिजल्ट कैसा रहा, ठीक है, अच्छा इन्होंने एनएलयू के बच्चे निकाले, ठीक है, ये प्रिमाइस लेके हम कह सकते हैं कि इस कोचिंग से हम भी पढ़ेंगे तो हमारा भी हो जाएगा, ठीक है, या फिर वहां पे जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, क्या वो टीचर खुद अपना वो पेपर निकाल पाया या नहीं निकाल पाया, ठीक है, या फिर वो खुद टाइम प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या प्रॉपर क्लास लग रही है या नहीं लग रही, तो ये सब प्रिमाइस अपने को प्रूव करेंगे कि क्या हम ये चीज ज्वाइन करें या ना करें। तो रियल लाइफ में भी हमें फायदा होगा, एग्जाम तो एक ही चीज है, ठीक है, तो अपने ने क्या सीखा, प्रिमाइस का मीनिंग क्या है, एविडेंस, ठीक है। कैसे याद रखना है, प्रिमाइस में हमेशा लास्ट में ई आता है, ठीक है, ई का मतलब क्या है, एविडेंस, एविडेंस मतलब कोई तो अपने को प्रूफ चाहिए ना, जब हमने कोई आर्ग्यूमेंट के साथ कोई प्रूफ मिलेगा तब हम कंक्लूजन में पहुंचे, आया समझ में, चले आगे, ठीक है। अब हमने पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या है, प्रायर नॉलेज नहीं है, हाँ देखो क्या है, अगर लीगल का पैसेज आ रहा है ना, लॉजिकल का, लॉजिकल के ऐसे ही पैसे जाएंगे जिनके अपने को कोई प्राइम नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने वोकैब को यूज करके, अपने कॉम्प्रिहेंशन को यूज करके उस नॉलेज को समझ लेना है, क्योंकि उससे अलावा कुछ चाहिए नहीं नॉलेज, ठीक है। अगर अपने को कोई सब्सिडी पे पैसे जा गया, कोरोना में पैसे जा गया, कोरोना पे तो हमें प्राइम नॉलेज है, पर अगर तुम अपने प्राइम नॉलेज को यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएंगे। जैसे कल एक वो लड़का था नवीन, ठीक है,
तो मैंने उससे पूछा ये पैसेज समझ में आया, वो कहता सर मैंने पैसेज पढ़ा ही नहीं, सीधे बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चंस कर दिए प्राय नॉलेज जो मेरे को लग रहा है। तो वो गलती होंगे ना, पैसेज पढ़ के करने हैं, बिना पैसेज पढ़े थोड़ी अपने क्वेश्चंस कर देंगे कि अपने को ज्यादा यही लग रहा है, अगर हम जज होते तो हम ये करते। पैसेज में जो रूल है वो अपने को समझना है, पैसेज ही समझ में नहीं आता। तो पैसेज समझ में नहीं आता तो उसी के लिए अपने की मेहनत कर रहे हैं कि हम वोकैब अपनी अच्छी करें, ताकि जो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, आज अपने एक पैसेज करके जाएंगे, ठीक है, कोई औखा सा पैसेज कोई भी, ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कैसे अंदाजा लगाए कि इस पैसेज का क्या मीनिंग है। छोटा सा ये टॉपिक करके अभी फिर पैसेज पे मूव करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो अपने को सुधारेगा वो जब अपने पैसेज पढ़ेंगे गलत होंगे, टीचर से पूछेंगे सर मेरे को तो बी लग रहा है, बी क्यों नहीं है और डी क्यों है, या फिर मेरे को सी लग रहा है अभी भी, की में डी है और आप बताओ ए भी क्यों नहीं है, फिर जब अपने क्लियर होंगे तब अपने समझ में आएगा। वी ऑल मेक आर्ग्यूमेंट्स एवरी डे इन आर लाइफ, वेन वी आर टॉकिंग विद समवन ईच ऑफ अस मेक सम आर्ग्यूमेंट एंड हैव काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल वेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स वी पुट फॉरवर्ड अवर आर्ग्यूमेंट्स दैट आर सपोर्टेड बाई सम रीजंस और इन सम केसेस मे बी नॉट। सिमिलरली वेन वी डिस्कस आईपीएल विद आवर फ्रेंड्स वी टेंड टू मेक आर्ग्यूमेंट्स दैट सीएसके इज द बेस्ट टीम विच मे बी सपोर्टेड बाई रीजन बिकॉज हिज कैप्टन इज एमएस धोनी। कोई भी आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं कि सीएसके बढ़िया टीम है, क्यों? क्योंकि धोनी उसका कैप्टन है। अब क्या ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि सीएसके बेस्ट टीम होगी? ठीक है, आरसीबी मैं कहूँ बेस्ट टीम है क्योंकि उसका कैप्टन कौन है, विराट कोहली, पर आरसीबी तो एक बार भी नहीं जीत पाई। ठीक है, तो प्रिमाइस हमेशा अच्छा होना चाहिए, रीजन हमेशा अच्छा होना चाहिए, कुछ भी रीजन दे रहे हो तुम, ठीक है, वो तो गलत नहीं है ना। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये बोलूँ कि उस लड़के के पीछे सारी लड़कियां मरती हैं, क्यों? क्योंकि वो लड़का पैसे वाला है, क्या ये प्रिमाइस सही है? सही है, लड़कियां अब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, ये हो भी सकता है, वो उसमें क्या है यूनिवर्सल फैक्टर भी हो सकता है, अगर मान लो कोई पैसे के पीछे लड़कियां जा रही हो तो फिर सही है। ठीक है, तो वो चीज अपने को सीखनी है कि कौन सी चीज को अपने बोलेंगे कि हाँ, फिर अपने को करना है, चार रीजंस नहीं होंगे ना तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन कौन सा हो गया वो चूज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट इन क्रिटिकल रीजनिंग रेफर्स टू सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वेयर प्रीमाइसेस आर यूज्ड टू सपोर्ट ए कंक्लूजन। बस ये डेफिनेशन को लिख लो या मार्क कर लो बुक में कि प्रीमाइस का काम क्या है। ठीक है, प्रीमाइस का काम क्या है? इसका काम है सपोर्ट करना कंक्लूजन को। तुम्हें क्लैट का पेपर देना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने बोला तुम्हें कि बेटा तुम्हें क्लैट का पेपर देना चाहिए दिसंबर के एग्जाम में, क्या प्रीमाइस देगी मम्मी? चार ऑप्शन होंगे, अगर तुम्हें सब वो मम्मी चाह रही है क्लैट का पेपर दो तो मम्मी फायदे गिनाएगी ना कि बेटा क्लैट करके तुम जज बन सकते हो, अच्छा प्रीमाइस है कि भाई जज जैसी नौकरी मिल रही है क्लैट का पेपर दे लो। मम्मी ये बोल सकती है कि क्लैट देके तुम्हारे अच्छी प्लेसमेंट लग सकती है, अच्छा ये है। तीसरा, अगर मम्मी बोले क्लैट पढ़ के तुम्हें अच्छा नशा करने का मौका मिलेगा कॉलेज में, फिर तो बिल्कुल ही वीकन हो गया। ठीक है, ये कोई रीजन थोड़ी होगा अप्रोप्रिएट, वो बच्चा भाग जाएगा, या हो सकता है कि भाई अप्रोप्रिएट नहीं है, क्या पता वो बच्चा और खुश हो जाए। ठीक है, जैसे जब मुझे है ना स्कूल चूज करना था, अब ये तुम सुनना ध्यान से, तो मैं जब गंगानगर में आया सालू शहर से स्कूल चूज करना था, तो मेरा एक दोस्त है राहुल, तो मैंने राहुल से पूछा राहुल कौन से स्कूल में जा रहा है, तो राहुल ने कहा कि मैं ना गुड शेफर्ड में जा रहा हूँ, नोजगे में जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा क्यों तू गुड शेफर्ड में क्यों नहीं जा रहा हूँ, नोजगे में जा रहा है? कहता नोजगे की लड़कियां ज्यादा सुंदर है गुड शेफर्ड से। ठीक है, अब ये उसने रीजन दिया, तो फिर क्या ये अप्रोप्रिएट रीजन थोड़ी है? अप्रोप्रिएट रीजन तो ये होगा ना कि भाई कौन से वाले में पढ़ाई अच्छी है, कौन से वाला स्कूल ज्यादा रिजल्ट प्रूव कर रहा है, कौन सा स्कूल ऐसा है जहां पे क्या होगा कि अच्छे बच्चे आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, वो रीजन उसके लिए पर्सपेक्टिव हो सकता है, बहुत लोग ऐसे डिसाइड कर रहे हैं स्कूल भी। ठीक है, ये भी कारण है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसी कारण से वो स्कूल डिसाइड कर रहे हैं, पर लॉजिकल के हिसाब से तो सही नहीं है ना ये। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने को लॉजिकल के हिसाब से सही ढूंढना है बजाय कि बाकी चीजों को इग्नोर करके। द प्रीमाइसेस आर द सपोर्टिंग रीजंस और एविडेंस, ये चीज अपने कर ही चुके, दैट लीड टू द कंक्लूजन। क्रिटिकल रीजनिंग इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय असेसिंग द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द प्रीमाइसेस एंड द कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर द आर्ग्यूमेंट इज साउंड और नॉट। हाँ, ये चीज चेक करनी है अपने को कि अगर कोई प्रीमाइस यूज कर रहा है तो क्या आर्ग्यूमेंट साउंड बना या नहीं बना, ठीक बना? नहीं बना ना कि नोजगे की लड़कियां अच्छी हैं, ठीक है, गुड शेफर्ड से इसलिए मैं नोजगे स्कूल में लग रहा हूं, नहीं बना साउंड। ठीक है, पर मैं ये बोलूं कि नोजगे के स्कूल में जितने बच्चे निकले हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे कॉलेज में चले गए, अच्छे ऑफिस जॉब्स लग गई, अच्छे उनके 95%+ आए हैं, इसलिए मैं नोजगे जा रहा हूँ, या फिर नोजगे का कैंपस बहुत अच्छा है। ठीक है, हमें स्पोर्ट्स में मेरे को जाना है और नोजगे में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, या उन्होंने अभी कम्पिटेटिव सेल शुरू कर दी, ठीक है, वहां पे वो तैयारी करवाएंगे कम्पिटेटिव एग्जाम्स की, इसलिए मैं नोजगे में जा रहा हूँ, तो वो अप्रोप्रिएट है। ठीक है, पर ये चीजें हमें कैसे पता लगेगी? प्रीमाइस को देख के। प्रीमाइस कैसा है?
ठीक है, रीजन तो कोई कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे मान लो कॉलेज में तुम गए, ठीक है, अब कॉलेज में तुम गए और कोई तुम्हें बच्चा बोल रहा है कि लो सिगरेट पियो, ठीक है, तो वो प्रिमाइस देगा क्यों पियो, वो कहेगा या तो अच्छा लगेगा पी के, ठीक है, या वो बोलेगा पी के देख सब टेंशन खत्म हो जाएगी, या वो बोलेगा कि वो बोलेगा ये पीने से है ना तुम्हें कैंसर हो जाएगा। अगर वो किसी को कन्विंस करना चाह रहा है सिगरेट पीने के लिए, तो क्या वो ये प्रिमाइस यूज करेगा? पर ये सही तो है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाएगा, पर वहां तो सेट नहीं बैठ रहा ना ये प्रिमाइस, वो भाग जाएगा आदमी, कहेगा कैंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट जब सिगरेट का डब्बा बेच रही है तो वो यही तो लिख रही है कि स्मोकिंग किल्स या स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, हाँ इंजीरियस टू हेल्थ, हाँ पिक्चर भी वो पूरा खराब है, ठीक है चेहरा उसका, पर वो चीज वो उन्होंने प्रिमाइस यूज किया है कि लोग छोड़ दें, पर लोग नहीं छोड़ रहे, उसके बाद भी लोग वो डब्बा देखते हैं।